ओ सोनी, तुम्हें तो पता ही है कि एक परफेक्ट मॉर्बियस मूवी कैसे बनानी है। सबसे पहले एक बोल लो, उस बोल में डालो जेरेड लेटो, जिनकी ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है सुसाइड स्क्वाड में। परफेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा वाइब डालो वेनम मूवी का, जो कि 1 बिलियन क्रॉस कर गई थी, थोड़ा सा डाल दो। परफेक्ट। उसके बाद एक ऐसा सीन दिखाओ जिससे सारे के सारे लोग हाइप हो जाएं। बहुत ही बढ़िया, ये भी डाल दो। और एंड में सबके होश उड़ाने के लिए माइकल कीटन, जो कि वल्चर प्ले कर चुके हैं, और बिल्कुल ये बात साबित कर दो लोगों को कि स्पाइडरमैन एक्चुअली में आपको ज्वाइन करने वाला है, मॉर्बियस की फाइट होगी, ये भी डाल दो बॉल में। और इसको थोड़ा सा घुमा दो और आग पे रख दो आधे घंटे के लिए। बन गई परफेक्ट मॉर्बियस मूवी। मेरे हिसाब से ये मूवी का ट्रेलर बहुत 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 ही अमेजिंग था। एंड का जो शौक था वल्चर वाला, बहुत ही ज्यादा फाड़ू था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं जिस मूवी को देखना नहीं चाहता था, वो मूवी अब मुझे देखनी पड़ेगी। और फाइनली ये बात एंड में हमें समझ में आ ही जाएगी कि किस तरह से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू से निकलकर वेनमवर्स के अंदर आने वाला है, और सोनी इसको कैसे हैंडल करेगी। आई एम सो एक्साइटेड। तो आज इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं इस वल्चर सीन के बारे में कि वल्चर एक्चुअली में आया कैसे, इस मूवी से उसका कनेक्शन है क्या, और क्या हमें जल्दी ही सिनिस्टर 6 मूवी देखने को मिल सकती है। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताना, क्या ये फनी है या नहीं है? जेरेड लेटो जो कि जोकर प्ले करते हैं, माइकल कीटन जो कि बैटमैन प्ले करते हैं, दोनों डीसी कैरेक्टर लेकिन मिल रहे हैं एक मार्वल की मूवी में, है ना फनी बात। लेकिन ये जो सीन था इस ट्रेलर के अंदर, यानी मॉर्बियस ट्रेलर के अंदर, इस सीन्स ने बहुत सारे फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। और अगला सवाल ये आता है कि वल्चर आखिरकार मॉर्बियस मूवी के अंदर कैसे आ सकता है, और क्या मॉर्बियस मूवी एमसीयू का पार्ट है? क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम, और जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, लेट्स बिगिन। सोनी और मार्वल की डील के मुताबिक अभी सोनी मकड़ी मानव को एक और मूवी करने देगी एज स्पाइडरमैन, यानी हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड की एक और मूवी बची है। उसके बाद सोनी उनको वापस ले लेगी और हमारे मकड़ी मानव चले जाएंगे वेनमवर्स के अंदर। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोनी 2017 से प्लान कर रही थी एक वेनमवर्स बनाने का, जिसमें सारे के सारे स्पाइडरमैन वाले कैरेक्टर होने वाले हैं, और जिसकी शुरुआत 2018 में वेनम मूवी से की गई थी। वेनम मूवी आने के बाद में लोगों को वेनम मूवी कुछ अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, लेकिन समहाउ वेनम मूवी ने $1 बिलियन बॉक्स ऑफिस पे क्रॉस कर लिया और बन गई बहुत ही अमेजिंग मूवी। ये देखने के बाद में सोनी को पता चला कि हाँ, हम बिना स्पाइडरमैन की मूवी बना सकते हैं, और उसका रिजल्ट था हमें और मूवीज देखने को मिलने वाली है जिसका पार्ट है मॉर्बियस। अभी सोनी के पास इतना टाइम बचा नहीं है कि वो वेनमवर्स को जल्दी से जल्दी या फिर लेटली बिगिन करे या शुरुआत करे, तो उनको करना कुछ ऐसा पड़ेगा जिससे जितना टाइम हो सके एमसीयू का फायदा उठाकर, यानी मार्वल का फायदा उठाकर वो अपने वेनमवर्स को बिल्डअप कर लें। और यहां पर आता है हमारा वल्चर। हम ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के अंदर वल्चर था। अगर एंड के सीन में भी अगर आप गौर से देखोगे, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसके साथ हमें वल्चर के साथ साथ मिला मैट गार्गन, जो कि प्ले है हमारा स्कॉर्पियन पे। यानी कहीं ना कहीं एक इशारा हो रहा था कि सोनी कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, और वो प्लानिंग है सिनिस्टर 6 की। एमसीयू में अभी 5 मेंबर्स हैं जो कि सिनिस्टर 6 में हो सकते हैं, लेकिन एक मेंबर अभी बचा है जो कि मकड़ी मानव को देगा प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं सिनिस्टर 6 के कैरेक्टर्स की, तो वो होने वाले हैं एमसीयू में या फिर वेनमवर्स में, फर्स्ट वल्चर, सेकंड स्कॉर्पियन, थर्ड हमारा जो नया कैरेक्टर यानी कि मॉर्बियस, उसके बाद मिस्टीरियो, और एक कैरेक्टर जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, शायद वो वेनमवर्स के अंदर है तो, लेकिन हम कह सकते हैं इधर से वो सिनिस्टर 6 का पार्ट होगा या नहीं होगा, वो है वेनम। और जो 6th कैरेक्टर यानी जो 6ठा कैरेक्टर है, वो अभी तक हमें नहीं पता है, जो कि मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्पाइडरमैन के 3rd पार्ट में, जो भी होगी लास्ट एमसीयू मूवी ऑफ स्पाइडरमैन। इस तरह से हमें मिल जाते हैं 6 कैरेक्टर जो कि प्ले कर सकते हैं सिनिस्टर 6 का रोल, और हमारी जो स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी है उसके बाद में हमें जो मेन मूवी देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में यानी कि वेनमवर्स में, वो होने वाली है सिनिस्टर 6, एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। सोनी के पास इतना टाइम अभी नहीं है कि वो मार्वल को बहुत ज़्यादा लेट करवाए और उनको जल्दी से जल्दी अपना वेनमवर्स बिल्डअप करना है, और यहाँ पर आता है वल्चर वाला सीन। अगर सीन को हम गौर से देखें तो यहाँ पे माइकल कीटन की आवाज आती है, टू टायर्ड ऑफ बीइंग द गुड गाय, राइट? माइकल मॉर्बियस, आई थॉट डूइंग द होल गुड गाय थिंग। इसका मतलब ये कि माइकल कीटन का जो कैरेक्टर है यानी कि वल्चर जो कैरेक्टर है, वो ऑलरेडी जानता है मॉर्बियस को, और वो ये बार बोल रहे हैं कि तुम टायर्ड हो गए ना गुड गाय प्ले करते करते। यानी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे इशारा दे रहा है कि कुछ तो होने वाला ही है, और वो उसके लिए उसको रिक्रूट करने आया है। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी कि अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट्सअप,
क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। और यही सीन हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिलता है जब वल्चर कहता है मॉर्बियस से व्हाट्सअप डॉग। इसका मतलब वो है कि वो ऑलरेडी मॉर्बियस को जानता है। इस ट्रेलर के दौरान हमने देखा कि मॉर्बियस को पकड़ने के लिए FBI एजेंट्स घूमे हुए हैं और बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक सीन के अंदर हमने ये भी देखा कि मॉर्बियस जेल के कपड़ों में था और वहां से भाग रहा था। इसका मतलब यह है कि वो जेल से निकल चुका है। और कहीं ना कहीं वो किस जेल से निकला है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो वही जेल होने वाली है जिसमें वल्चर था और वहां पर उन दोनों की मीटिंग हुई होगी। इस बात को प्रूव करने के लिए कि वल्चर के साथ मॉर्बियस ऑलरेडी जेल टाइम बिता चुका है, ये बात और प्रूव करने के लिए एक प्रूफ और है कि इस ट्रेलर के अंदर जब हमें माइकल कीटन का कैरेक्टर देखने को मिलता है उसने वही जंपसूट पहन रखा है जो उसने स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर पहना था। इन दोनों सीन को आप कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि वही कपड़े हैं जो जेल में उन्होंने पहने थे। साथ ही साथ बगल में अगर आप सीन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे पुलिस के सायरन है और पुलिस की कार की जो फ्लैशिंग लाइट है वो आ रही है। अगर वहां पर पुलिस मौजूद है तो इस वक्त वो वल्चर को क्यों नहीं पकड़ रही? वो इसलिए नहीं पकड़ रही क्योंकि जो पुलिस की कार है वो क्रैश हो चुकी है और वल्चर एस्केप कर चुका है और अब वो बनाएगा अपनी टीम सिनिस्टर 6 जो कि वेनमवर्स के अंदर फर्स्ट मूवी आने वाली है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की। सो नाउ इट इज ऑल कमिंग टुगेदर, दिस इज अमेजिंग एंड आई एम सुपर डुपर सुपर हैप्पी। सिनिस्टर 6 की ये ओरिजिन स्टोरी बहुत ही अमेजिंग हो सकती है बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे पता है कमेंट सेक्शन में काफी लोग पोस्ट करेंगे और वो ये होने वाली है कि वेनम आखिरकार वेनम स्पाइडरमैन से क्यों लड़ेगा, क्योंकि वेनम भी वही काम कर रहा है जो कि स्पाइडरमैन कर रहा है। शायद मॉर्बियस को बहलाया फुसलाया जा सकता है और किसी तरह से मॉर्बियस को मिसगाइड किया जा सकता है स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए, लेकिन वेनम एक्चुअली में क्यों करेगा? तो यहां पर मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा। यहां पर मुझे लगता है कि अगर वेनम इस वेनमवर्स का पार्ट नहीं होने वाला है, यानी सिनिस्टर 6 का पार्ट नहीं होने वाला है, तो इसकी जगह कोई और ले सकता है। और अभी MCU में और वेनमवर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि सिनिस्टर 6 में अपनी जगह बना सकते हैं, जिसमें से एक मेरा पर्सनल फेवरेट है शॉकर। हम ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर जो शॉकर था वो बच के निकल गया था और वो कहीं ना कहीं वापस से इस टीम को ज्वाइन करने की सोच रहा होगा। तो अगर वेनमवर्स के अंदर सिनिस्टर 6 मूवी के अंदर हमें वेनम देखने को नहीं मिलता तो हमें शॉकर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी बच जाता है एक कैरेक्टर जो कि आएगा स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट में जो मूवी आने वाली है जुलाई 2021 में, तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लगभग 1.5 साल वेट करना है, उसके बाद हमें सारे के सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे कोई भी थ्योरी सही हो लेकिन यहां पर हमें वल्चर जो देखने को मिला है मॉर्बियस मूवी के अंदर ये एक एस्टैब्लिश कर चुका है कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो कैमियो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड और मुझे लगता है कि सोनी जानती है कि वो क्या कर रही है। जेयर लेटो इज अमेजिंग, मैं उनको माफ कर चुका हूं, बिल्कुल माफ कर दिया, आपका जो जोकर था उसको माफ कर दिया, बहुत बुरा जोकर था बट हाँ हमने उसको माफ कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको कैसा लगा मॉर्बियस का ट्रेलर और आपकी क्या क्या थ्योरी है। कमेंट सेक्शन खुला है, जाके बता दो। और ये रहा पोल, यहां पे बता देना कि मॉर्बियस का ट्रेलर अच्छा लगा या नहीं लगा। अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे जल्दी ही एक और मॉर्बियस की थ्योरी के साथ में। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट 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 डे। आई एम सो हैप्पी।